पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबिलिटी। तो इसके रिलेटेड हमने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, बायोटिक एबायोटिक पोटेंशियल इसकी क्या क्या है, वो है इसकी क्या फीचर्स है, किस बेसिस पे इसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है। तो ये नोट्स शायद मैंने कल अपलोड किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और ऑलरेडी ये गूगल क्लासरूम में भी अपलोडेड है ऑलरेडी सारे नोट्स। तो बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी उसका क्या टाइम स्पैन रहेगा नॉन रिन्यूएबल, ये हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और फिर हमने वाटर रिसोर्स का पढ़ा था कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर जो फॉर द ह्यूमन कंजप्शन जो है बेसिकली उसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, कमर्शियल इन द सेंस जो हमारा जो रेस्टोरेंट वगैरह है या होटल्स वगैरह है उनके लिए। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्स वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसका जो एक्सपेंशन बिहेवियर, उसका हाई स्पेसिफिक हीट, ये हमने डिस्कस नहीं किया, बट ये अंडरस्टूड है जो आपका 10+2 वो होता है, 10th होता है, उसमें ऑलरेडी शायद आपने पढ़ा हुआ होगा, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई सरफेस टेंशन जो है, ये सब प्रॉपर्टीज़ उसको एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है जो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक ज़रूरी है, वाटर उसकी बॉडी के लिए या दूसरे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बजट, जो वाटर का बजट है अर्थ पे किस फॉर्म में कितना अवेलेबल है और हमारी कंजप्शन के लिए कितना अवेलेबल है। तो 97% ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, जैसे हमने डिस्कस किया था, और अदर अदर सलाइन जो हमारे मैंग्रोव कल्टीवेशन होती है उसकी जो सैलिनिटी है वो सी वाटर से कम होती है। सी वाटर की जो सैलिनिटी होती है अराउंड 5% होती है ऑन एन एवरेज। तो उससे 5 PPM जो सैलिनिटी है वो फ्रेश वाटर में होती है, और विद इन बिटवीन 5% एंड 5 PPM, 5% मीन्स आउट ऑफ 100 एंड PPM मीन्स पर मिलियन, मीन्स आउट ऑफ 10 लैक्स कितने पार्ट्स रहेंगे। तो सी वाटर में परसेंट 5% ऑफ मीन्स की 100 हिस्सों में 5 हिस्से नमक होता है, और जो सेलाइन जो फ्रेश वाटर होता है उसमें लेस देन 5 पार्ट्स ऑफ साल्ट आर प्रेजेंट इन 10 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर। तो ये ऑन एन एवरेज उसका क्राइटेरिया है कि सेलाइन क्या होगा। फिर सेलाइन आता है, सेलाइन मतलब जो अदर बॉडीज है, हमारा जो लेक्स है जैसे पेंगोंग लेक है उसकी जो सेलिनिटी है वो अदर सेलाइन में आएगा, चिल्का लेक है, सांबर लेक है, तो वहाँ से भी हमारा जो है सॉल्ट वगैरह वो कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं उसको, वो ऑपरेट करते हैं, फिर वहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो आउट ऑफ दिस ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर विच इज मोस्टली बॉकड एज ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, 67% एंड 30% ऑफ द फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन द ग्राउंड वाटर जो हमें जो हम इस्तेमाल करते हैं दूर दराज इलाकों में ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज यूज़ करते हैं, हमारा जो डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो सरफेस वाटर है सरफेस फ्रेश वाटर इसमें आता है हमारा लेक्स, ग्राउंड आइस जो हमारा बहुत सारी लोकेशंस होती है जो जो बहुत ठंडी रहती है, तो उसमें जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ आइस लॉक होता है सॉइल वगैरह में, तो उसका 69% है आउट ऑफ टोटल सरफेस जो फ्रेश वाटर, लेक्स में 20% होता है, 21% सॉइल मॉइस्चर जो हम सॉइल होती है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं पैडी वगैरह जो भी है उसमें भी 3.8%, फिर स्वैम्प्स एंड मार्शेस में भी रहता है। स्वैम्प्स एंड मार्शेस में क्या डिफरेंस है, स्वैम्प्स होती है वो प्लेसेस दलदल, वो दलदल जिसमें वुडी प्लांट्स ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा कश्मीर में वीर बोलते हैं ना उसको, विलो,
वो स्वैम्प्स में ग्रो करता है वूडी प्लांट्स। और मार्शेस में क्या होता है, उसमें ग्रासेस वगैरह होता है कुछ नंबल वन है, नंबल में जो ग्रास खासा उसमें वो ट्रीज वगैरह अगर होंगे तो वो स्वैम्प में कन्वर्ट होता है। तो अदर उसकी क्वालिटीज होती है कि उसमें पीएच कंसेंट्रेशन और डिफरेंट जो क्राइटीरिया है, उतना हम डीप नहीं जाएंगे, बट स्वैम्प्स एंड मार्शेस में यही दो मेन डिफरेंसेस है। फिर रिवर्स हमारे हैं, उसमें खाली 0.9449% ऑफ टोटल सरफेस वाटर जो है अर्थ का वो उसमें अवेलेबल रहता है फ्रेश। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है उसमें भी 0.26% रहता है, और एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्लाउड्स वगैरह है उसमें भी 3% अवेलेबल रहता है। तो ओवरऑल हमारा जो कंजप्शन है मेनली ह्यूमंस और प्लांट्स कहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो ये है हमारा लेक्स वगैरह है वहाँ पे कुछ कुछ सिविलाइजेशन लेक से भी पानी यूटिलाइज करते हैं, जैसे श्रीनगर में डल लेक से फिल्टर होके पानी सप्लाई होता है। फिर रिवर्स से भी लेते हैं, और जो हम एटमॉस्फेयर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो हम जो ब्रीथ इन करते हैं एयर उसमें भी वाटर वेपर रहता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पानी जिस पे हम डिपेंडेंट है वो बहुत ही कम परसेंटेज में है, दैट इज़ ओनली अवेलेबल वाटर। और यही अवेलेबल वाटर में प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, जो हम उसको स्टोर नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो इसी में ये सारी प्रॉब्लम्स है। और ग्राउंड वाटर में भी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है उसमें ग्राउंड वाटर को अनजुडिशियसली यूज़ करते हैं, वाटर पंप्स इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलते हैं उनको खुला छोड़ते हैं रात भर, तो उसकी वजह से वाटर ज़ाया होता है। बट इसमें भी रेगुलेशंस है, जो हमारे स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड होता है वो रेगुलेट करता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कोई एरिया नोटिफाई होता है कि उसमें सरप्लस ग्राउंड वाटर है या उसमें कम है। और माशाल्लाह हमारे जो है कश्मीर में ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वी हैव नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस लॉट्स ऑफ वाटर। जो हमारा जो रिवर्स सिस्टम्स है यहाँ पे उसमें नदी नालों में, बट मेन प्रॉब्लम यही है कि हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं करते, जो भी कूड़ा करकट है ड्रेन्स वगैरह, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज जो ड्रेन्स वगैरह है डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो सीधा जाती है हमारे रिसीविंग वाटर बॉडीज, रिसीविंग वाटर बॉडीज जहाँ पे भी हम पोल्यूशन करते हैं, लेक्स हो रिवर्स हो, जैसे डल लेक है उसमें भी छोड़ते हैं, झेलम है या छोटे छोटे नदी नाले हैं उसमें भी हम छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन है, डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन मीन्स जो पॉपुलेशन जहाँ पानी बहता है उसमें उस एरिया में जो पॉपुलेशन आती है वो डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन है। हम पानी को पोल्यूट करते हैं बट डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उनको बेचारों को बीमारियाँ वगैरह होती है उसकी वजह से। तो ये था थोड़ा सा अर्थ का जो हम वाटर बजट है। उसके अलावा ये ग्राफ बताता है कि सेक्टोरल डिमांड कितनी है वाटर की। अगर हम अभी बात करें, अभी 2020 चल रहा है तकरीबन यहाँ पे, तो एक सेकंड, कोई स्टूडेंट कुछ ओके तो जो हमारी सेक्टोरल डिमांड है, जो हमारी सेक्टोरल डिमांड है, सेक्टोरल डिमांड इन द सेंस जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रीन बार है, ये डिनोट्स फॉर एग्रीकल्चर, और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर है बेसिकली, जो डोमेस्टिक वाटर घर में हम यूज़ करते हैं, और जो येलो वाला है ये है इंडस्ट्रियल, एंड जो रेड है डिनोट्स फॉर एनर्जी। तो ये जो एग्रीकल्चर है डे बाय डे ये प्रोजेक्ट किया गया है, इट्स इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर वाटर फॉर इरिगेशन इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूबिक किलोमीटर पर एनम, अगर यहाँ पे हम तकरीबन ये ले 700 क्यूबिक किलोमीटर पर एनम, 700 क्यूबिक किलोमीटर क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस ले तो
उसका ब्रेड्थ है 1 किलोमीटर, लेंथ है 1 किलोमीटर, एंड उसकी हाइट 1 किलोमीटर, तो ये 1 क्यूबिक किलोमीटर बनाता है। ऐसे ही 700 क्यूबिक किलोमीटर्स एक साल में एग्रीकल्चर को चाहिए था 2010 में, ये इंडिया की बात है। तो फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है इसका जो है उसके बाद नंबर आता है, जैसे पिछली बार हमने बताया ड्रिंकिंग वाटर डोमेस्टिक वाटर अराउंड 22%। तो उसके अब बाद आता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जो वाटर को यूज़ करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या उनके प्रोसेसिंग में वाटर यूज़ होता है, जैसे टैनरी, जो जैसे वो स्किन को स्किन जो डिफरेंट लेदर प्रोडक्शन में उसको वॉश वगैरह करना होता है उसमें पानी यूज़ होता है, या चाहे वो डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रीज वगैरह है जिसमें पानी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो भी कंपनी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है फॉर जो येलो वाला है। तो फिर एनर्जी प्रोडक्शन जो हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें वाटर यूज़ होता है फॉर द स्टीम प्रोडक्शन, और स्टीम से फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये था इसका जो रोल है, इसका जो मतलब वहाँ वाटर का रोल बहुत कम है, मतलब उसका जो यूटिलाइजेशन है बहुत कम है। बट अगर हम उसका जो डिमांड देख रहे हैं कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम तकरीबन यहाँ ले 2020 में या 2025 का ही ले हम ग्राफ, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की डिमांड है वो इंक्रीज होती ही है, बट यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जो डोमेस्टिक हमारा जो वाटर यूज़ है फॉर कुकिंग, बेथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग वगैरह, वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ आइदर, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारा जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें एफिशिएंसी बहुत कम है, 30% लॉसेस इंडिया में है जो हमारा डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है, या लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता है, वो डिफरेंट लाइफस्टाइल जब चेंज होता है तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ इंक्रीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार वॉशिंग, घर में कार आ गई तो उसको वॉश करना है फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से भी जो है ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग वाटर बेसिकली डोमेस्टिक है, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज डिमांड होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ये प्रोजेक्टेड है, अभी ये पूरा नहीं पता है कि ऐसे ही होगा, बट एग्रीकल्चर ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज इनिशिएटिव्स रहेंगी जिसकी वजह से किस सेक्टर में क्या डिमांड रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने माइक्रो इरिगेशन कंपलसरी बना दिया, तो ऑब्वियसली जो डिमांड है एग्रीकल्चर में वाटर की वो बहुत कम हो जाएगी, 90%, 80% से अप टू 70 to 90% डिक्रीज होगी डिमांड ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। तो एनर्जी का फिर से डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या रीज़न है ये पता नहीं, बट यहाँ पे अगर हम 2050 की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर तो इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में भी इंक्रीज हो रहा है। मेनली एनर्जी सेक्टर में इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनको एनर्जी चाहिए फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, तो डिफरेंट डैम्स वगैरह बनाए जाएंगे, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे जिसमें भी पानी चाहिए, उसमें ज़रूरी है पानी फॉर द स्टीम प्रोडक्शन। तो ये एक सेक्टोरल डिमांड है कि क्या प्रोजेक्शन हो सकती है आगे जाके कि किस सेक्टर में कितना वाटर की डिमांड इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, जो हम पिछली बार ग्राफ में बताया था कि 1951 में जो डिमांड अवेलेबिलिटी थी वाटर की क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम, एक साल में कितने क्यूबिक मीटर एक बंदे को वाटर अवेलेबल था फ्रेश वाटर इन इंडिया इन 1951 वाज 5177 क्यूबिक मीटर्स। तो ये 2000 में फिर गिर के 1869 क्यूबिक मीटर्स बन गई, और ये आगे जाके प्रोजेक्ट किया गया है 1341, फिर अब 2050 में 1140, जो हमने पिछली बार बताया अगर किसी भी पॉपुलेशन में वाटर अवेलेबिलिटी लेस देन 1000 क्यूबिक
मीटर पर कैपिटा पर एनम होगी, तो वो वाटर स्कैरसिटी कंडीशंस है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर 1500 से कम हो जाएगा तो वाटर डेफिशिएंट, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है, वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस है। तो 1500 क्यूबिक किलोमीटर से कम होगा तो वाटर स्ट्रेस्ड है, लेस देन 1000 होगा तो वाटर वाटर स्केर्स कंडीशंस है। दैट इज पर कैपिटा। इसमें क्या पानी किस लिए यूज़ होता है, फॉर कुकिंग, बेथिंग, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह एग्रीकल्चर के आते हैं या डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें कितना वाटर यूज़ होता है एक साल में, तो ये पूरा उसमें एक प्रोजेक्ट किया गया है, टेंटेटिव। ये उतना परफेक्ट नहीं हो सकता है, बट हम ये देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज में जो डिस्प्यूट्स होती है डिफरेंट वाटर बॉडीज पे, जैसे रिवर्स पे, इंदस वाटर ट्रीटी मानी जाती है, एक वो पढ़ेंगे हम, एक डिटेल में एक टॉपिक है उसको, ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी बताया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट विद इन इंडिया अगर बात करें, बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट हर साल होती है समर्स में, अक्सर न्यूज़ में उसका वो रहता है, डिबेट्स रहती है। उसके बाद बियास एंड सतलुज डिस्प्यूट है बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, और हरियाणा एंड दिल्ली, तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये बेस्ड ऑन ये सारी डिस्प्यूट्स है वाटर अवेलेबिलिटी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री चाहेगी कि उनके पास ज़्यादा पानी अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर। तो ये था थोड़ा सा, फिर हम ये क्राइटेरिया है वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस क्या है, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको उतना ही ज़्यादा डीप हो जाएगा इसमें क्राइटेरियाज वगैरह। फिर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में उसके क्या रीज़न है, फॉर मैंने बताया पॉपुलेशन इंक्रीज है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो 2000 में पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की थी 6.2 बिलियन थी, तो 2050 तक और 3.5 बिलियन लोग ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा तकरीबन 9.7 बिलियन पीपल अप टू 2050। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वाटर रिसोर्सेज पे या कोई भी अदर रिसोर्स है उस पे कितना स्ट्रेस है कमिंग ईयर्स में, अगर हम उसमें कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस ना करें, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि उसका जो यूज़ है बहुत अच्छी तरीके से हो। उसके बाद है बिजनेस एक्टिविटी एंड अर्बनाइजेशन, जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन टू टूरिज्म तक जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे टूरिज्म की बात करें तो डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती है, वहाँ पे होटल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उनका पानी, उनके जो डिफरेंट रिसोर्सेस है उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, और वो वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है तो उसका क्या होगा, मतलब कैसे वो ट्रीट करेंगे। तो ये ट्रेंड जो है ये इंक्रीज होती है, इट इज़ एक्सेलरेटिंग, मतलब दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वाटर स्ट्रेस का, जो वाटर स्ट्रेस जिससे इंक्रीज हो रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का मैंने जैसे बताया, हमारे जो टेम्परेचर है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होता रहता है, इवोपरेशन लॉसेस ज़्यादा होती है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट आउट होते हैं, तो समर्स में फ्लड्स आती है, थोड़ा सा भी रेन वगैरह है तो स्नो कम है, तो जो पीक सीजन होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है वाटर की, जो है समर में, तो समर में ही पानी कम रहता है अवेलेबल। तो उसके अलावा जो वाटर ग्रोथ रिजल्टिंग डिप्लीशन ऑफ एक्वीफर, एक्वीफर होता है जहाँ से हम पानी ग्राउंड वाटर से हम निकालते हैं, जो कोई भी स्प्रिंग हो सकता है या बोरवेल हो सकता है या हमारा ओपन वेल हो सकता है, जो बाल्टी से हम पानी निकालते हैं, उनका जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए उसका बहुत ही अनजुडिशियसली यूज़ किया जाता है, तो वो भी जब हमारा नंबर ऑफ रेनी डेज ज़्यादा रहेंगे तो पानी एक एक बार में ही बह जाता है डिफरेंट रिवर्स में। तो अगर पानी एक बार में बह जाता है, उसको कम टाइम मिलता है
ग्राउंड वाटर में वो होने में, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में. तो एज अ रिजल्ट जो ग्राउंड वाटर जो है उसकी लेवल दिन ब दिन डिक्रीज होती रहती है, और पर्टिकुलरली जो हमारे स्नो डेज है वो कम होते हैं, तो स्नो भी धीरे धीरे मेल्ट होता है, वाटर हमारा रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर, तो उससे भी हमारे जो एक्विफर्स है वो डिप्लीट होते हैं. तो इसके लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट में वो हम पढ़ेंगे, वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे हमारा ग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली उसकी लेवल इंक्रीज होती है. ठीक है, तो उसके बाद है जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कैसे हम करें. हम पहले ही हैं, हमने पिछली ब्लॉक क्लास में पढ़ा, आई गेस कि कुछ और नए स्टूडेंट्स आए तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये रिकैप कर रहा हूँ. तो डिक्रीजिंग रन ऑफ लॉसेस, जो हमारे रन ऑफ लॉसेस है उसको डिक्रीज करना. रन ऑफ लॉसेस होते हैं जो पर्टिकुलरली जो हिल्स से आते हैं, फ्रॉम हायर एलिवेशन जो पानी आता है वो अपने साथ मिट्टी वगैरह भी बहा लेता है, तो उससे हमारा जो रन ऑफ है, हमारा जो सॉइल लॉस है उससे ज़्यादा होता है, तो उससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कम होता है. तो एक बार में पानी बह गया तो उसको कम टाइम मिलता है. तो अगर हमारे रन ऑफ लॉसेस कम हो जाएंगे तो वो कैसे होंगे, हमारा ट्री वगैरह कल्टीवेशन करेंगे प्लांट्स का, उसकी रूट्स से जो है पानी एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी सॉइल में. रिड्यूसिंग इवापरेशन लॉसेस, इवापरेशन लॉसेस कैसे रिड्यूस करें हम, जो है मैक्सिमम जो वाटर है उसको स्टोर करेंगे इन द सॉयल, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज से होगा, जैसे मल्चिंग वगैरह करते हैं हम. आपने देखा होगा कई जो बड़ा खेत है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे घास वगैरह डालते हैं ज़मीन पे, उससे क्या होता है एक सॉइल से इवापरेशन जो होता है, सॉइल धीरे धीरे खुश्क नहीं होती है, मतलब एक बार में खुश्क नहीं होती, धीरे धीरे खुश्क होती है, उसका जो वाटर है वो धीरे धीरे इवापरेशन लॉसेस से कम होता है. तो डिफरेंट जैसे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस मैंने देखी है, वो क्या करते हैं ब्लैक पॉलिथीन लगाते हैं सॉइल में, सॉइल पे, उससे छोटे छोटे छेद करते हैं, वहाँ से प्लांट्स को ग्रो करते हैं. जैसे स्ट्रॉबेरी को कल्टीवेट करना हो तो उसके रूट्स के आसपास वो ब्लैक पॉलिथीन लगाते हैं, या ग्रास लगाते हैं, या सूखा घास लगाते हैं जो पैडी का जो होता है घास वगैरह, तो उससे इवापरेशन लॉसेस कम होती है. स्टोरिंग वाटर इन सॉइल, जो हमारा वाटर सॉइल में उसको स्टोर करना है, जैसे डिफरेंट वेल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं, वो बहुत ही नैरो होता है पाइप एक, उसको ड्रिल करते हैं जैसे बोरवेल बनाते हैं, तो वहीं से पानी को हम फिर रिचार्ज करते हैं इन द सॉयल, या हम छोटे से तालाब बनाते हैं जिसमें पानी ठहरता है, रेन वाटर ठहरता है, तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है कि पानी में वो स्टोर, ये सॉयल में वो स्टोर हो जाए. रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, जैसे मैंने बताया कि इरिगेशन लॉसेस कैसे रिड्यूस करेंगे हम, अननेसेसरी इरिगेशन नहीं करेंगे, या डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंगलर इरिगेशन वगैरह, और जो हमारा वाटर है उसको रीयूज करेंगे. सिंगापुर जैसे कंट्री है, सिंगापुर का नाम सबने सुना होगा, वो अपना जितना भी वाटर, वेस्ट वाटर उसका जनरेट होता है, चाहे वो किचन से हो चाहे टॉयलेट से हो, तो वो उसको पूरा रिसाइकल करके फिर से यूज़ करते हैं, वो एक कतरा भी नहीं उसको वेस्ट करते हैं, उनका ऐसा मैकेनिज्म है. बेसिकली एक स्मॉल कंट्री है, उतना उनकी पॉपुलेशन नहीं है, तो वो उन्होंने पहले से ही वो मैकेनिज्म बनाया, वहाँ पे पर्टिकुलरली जो एनवायरमेंटल लॉज है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो अपना पानी पूरा उसको रीयूज़ करते हैं. और यहाँ हम कश्मीर की बात करें या इंडिया की बात करें इन जनरल, तो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है फ्रॉम डोमेस्टिक और फ्रॉम कमर्शियल, या तो उसको डिफरेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसको ट्रीट करते हैं, उसका पोल्यूटेंट लेवल कम करते हैं, फिर उसको पानी को छोड़ते हैं दरियाओं में, या जो हमारे लेक्स वगैरह है उनमें छोड़ते हैं, या उनको ट्रीटमेंट के बगैर ही ऐसे ही छोड़ा जाता है. तो उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो है नदी नाले, जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडीज है वो पोल्यूट होते हैं, प्लस जो हमारा और एडिशनल वाटर चाहिए, एक तो हम उसी पानी को गंदा करते हैं और उसी पानी पे हम उसको और यूटिलाइज करना चाहते हैं,
तो या तो हमें पानी को रिसाइकल करना है, और या तो हमें जो हमारे वाटर बॉडीज़ है उनको उनको पोल्यूशन से दूर रखना है, ताकि हम वो वाटर यूटिलाइज करें और हमारा जो वाटर रिसोर्स पे स्ट्रेस कम पड़े। और अगर हम इसराइल की बात करें, इसराइल बेसिकली जो वाटर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, उन्होंने हर किसी घर में एक डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क रखा है, पाइपिंग नेटवर्क। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है टू वायर से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हर किसी घर में वाटर पाइपिंग सिस्टम है, फ्रेश वाटर जाता है, तो वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और जो वेस्ट वाटर निकलता है वो भी पाइप से पर्टिकुलर घर से निकलता है, जैसे टॉयलेट से अलग पाइप निकलेगी, किचन से अलग पाइप निकलेगी, वो डायरेक्ट जाएगी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे वो ट्रीट होता है, और फिर वही पानी फिर सप्लाई होता है हर किसी घर में, जो अगर वो यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर गार्डनिंग पर्पस। वो पानी वानी के पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बट वो गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो हर किसी घर में तीन पाइप नेटवर्क रहेंगी, एक तो वेस्ट वाटर को वापस भेजने के लिए, फ्रेश वाटर आने के लिए, और जो ट्रीटेड वाटर है उसको भी यूटिलाइज करने के लिए। तो ये है रीयूज ऑफ वाटर, ठीक है। फिर प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर में क्या होता है, हमारा जो मोस्ट एफिशिएंट जो हमारे फॉसेट्स है, जो टैप्स वगैरह है, उनको हम इंस्टॉल करें, जिसकी वजह से पानी का जो है वेस्टेज कम हो सकता है। प्लस हमारा जो अननेसेसरीली हम ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करते हैं फॉर गार्डनिंग पर्पस, तो उससे भी हमारा जो वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो सकता है। फिर लास्ट वन इज़ ये रिलेटेड है टू द पॉलिसी एंड लॉ, जो है ब्लॉक प्राइसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लॉक प्राइसिंग होता है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आपको गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो अगर वो ज़्यादा चार्ज करने लगेंगी, ओबियसली लोग उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजली, अगर मीटर लगेंगे तो ओबियसली घर में कम लाइटें जलेंगी, कम टाइम तक फैन चलेगा या कम टाइम तक एसी चलेगा, तो वैसे ही पानी का भी सिस्टम है। तो अभी तो फ्लैट प्राइस है, तकरीबन 2200-2500 रुपया एक साल का लेती है गवर्नमेंट, दैट कम्स अराउंड 200 के आसपास तो पर मंथ। तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर यू व्हाट वी आर यूजिंग वाटर, जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, फॉर ग्रांटेड ले आया हमने वाटर को, तो उसकी वजह से जो है वाटर रिसोर्स प्रेशर पड़ता है। अगर ब्लॉक प्राइसिंग इंक्रीज हो, एक पर यूनिट जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं उसका प्राइस इंक्रीज हो, तो ओबियसली उसका जो है यूज़ जुडिशियसली यूज़ होगा। तो अभी तो है नहीं यहाँ पे वाटर जो मीटरिंग सिस्टम, बट आज से पहले 10 तकरीबन हम जो अपने बुजुर्गों से सुन रहे हैं, वाटर मीटर्स हुआ करते थे कश्मीर में, जहाँ पे यहाँ पे जो है म्यूनसिपल वाटर सप्लाई लाइन्स हुआ करती थी। तो ओवर द टाइम इम्प्रूव होना चाहिए था, बट ओवर द टाइम एवरीथिंग हैज़ बीन डिग्रेडेड। तो उसके अलावा हम एक्चुअली हमारा टॉपिक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक मेथड है फॉर कंजर्विंग द वाटर, बट कंजर्विंग द रेन वाटर। जो भी हमारे छत वगैरह होते हैं, आज अक्सर आजकल जो भी कश्मीर में छत वगैरह बनाते हैं, उसमें साइड में वो पारनाल जो वगैरह जो बनाते हैं, वो हर किसी घर में होता है तकरीबन, जहाँ तक मैंने देखा नए घर बने हैं। तो जो रूफ से पानी आता है वो फिर एक नाली से होके फिर एक पाइप से नीचे आता है, बट हमें अगर थोड़ा सा 2-4 हज़ार और खर्च हो सकते थे, अगर हम 2 2 हज़ार और खर्च करेंगे तो नीचे एक वाटर टैंक भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने एक वाटर टैंक इंस्टॉल किया, तो जो बारिश का है पानी वो डायरेक्टली पाइप से होके इसमें चला जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदे हैं, या हमारा वो पानी जो स्टोर होगा उसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, या अगर इरिगेशन के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारे जानवर वगैरह है घर में तो उनको पीने के लिए यूज़ करेंगे, तो अगर उसके लिए भी यूज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो है लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगी, तो डिफरेंट प्लांट्स वगैरह जो है नदी नालों में उसकी लेवल इंक्रीज होगी पानी की। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो इसका जो कैलकुलेशन है कि एक साल में कितना
रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या एरिया है रूफ का, फिर किस स्पीड से उस लोकेशन पे रेनफॉल होती है, कितने दिन होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा कश्मीर में ऑन एन एवरेज 46 to 60 days रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या रहेगी, तो उस फैक्टर को मिला के एक फार्मूला में लगा के फिर एक साल में एक क्यूबिक फीट से कितना हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। तो ये डिफरेंट है ये पिक्चर बाहर से, तो अंदर से क्या है, इसमें एक रहेगा रूफ रहेगा जिसे पानी नीचे जाएगा टैंक में, फिर टैंक से पानी निकाल के मोटर से हम या हम उसको फिल्टर करेंगे या डायरेक्टली फॉर इरिगेशन वगैरह या टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यूज़ करेंगे, एटलीस्ट उसके लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, जो वाटर स्टोर होता है उसमें एल्गल ग्रोथ होती है, एक फिशी सी स्मेल आती है, तो उसके लिए भी डिफरेंट डिसइनफेक्टेंट्स है, जैसे उसके लिए कॉपर सल्फेट वगैरह यूज़ होता है जिससे एल्गल जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में रहती है, तो फिशी स्मेल जैसे नहीं आती है। क्लोरीन भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल वगैरह जो है उसको फिर हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। बट जो है ये सारा एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इसमें कर सकते हैं। इसमें एडिशनल खर्चा यही है कि हमें एक टैंक लगानी पड़ती है, फिर एक मोटर लगाना पड़ता है, और फिर एक सप्लाई नेटवर्क रहेगी कि यहाँ से पानी कहाँ कहाँ जा सकता है, या यहाँ से हम पानी ओवरहेड टैंक में भी कर सकते हैं और फिर उसको डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बट इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, इससे पहले ही रन ऑफ लॉस कम हो जाता है, जो पानी रूफ से उतर के फिर डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो उस टाइम सैलाब जैसा आता है तो वो नहीं होगा, फ्लडिंग नहीं होगी, डिमांड जो है पीक सीजन में वो मीट हो सकती है, जो हमारा समर सीजन में रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, फिर रिड्यूस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, ये कैसे होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट होता है दो तरीकों से। एक तो होता है जैसे हम वाटर को विड्रॉ करते हैं फ्रॉम ग्राउंड वाटर, तो डिफरेंट केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब पानी हम निकालते हैं उसकी जगह लेता है हवा, तो हवा में है ऑक्सीजन, तो डिफरेंट केमिकल्स जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे आर्सेनिक प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में, जब वहाँ से पानी निकालते हैं तो डिफरेंट जो केमिकल्स है आर्सेनिक के वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन, तो आर्सेनिक ऑक्साइड वगैरह बना के फिर वो वाटर में रिलीज होता है, तो वहाँ पे आर्सेनिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये तरीके से हो सकती है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, दूसरा जो हमारे ऑलरेडी जो पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम फील्ड्स वगैरह में, तो उससे भी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होता है। तो जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है करेंगे, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी, तो ये जो पोल्यूटेंट्स है इनको कम टाइम मिलेगा ऑक्सीडाइज होने में, जो रिलीज होते हैं वाटर में, और जो है जो जो भी पोल्यूटेंट्स पानी में रहेंगे वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा कंटेमिनेशन कम हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, इसमें पहले ही है माइक्रो कैचमेंट, फिर कैचमेंट एंड फ्लड वाटर, डिफरेंट मेथड्स इसमें इन्वॉल्व है। माइक्रो कैचमेंट जो हमारा घर में करते हैं रूफ टॉप से, ऑन फॉर्म सिस्टम रूफ टॉप से करते हैं, फिर कंटूर रिजिस, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम देखते हैं रूफ टॉप से, ठीक है, ये एक टाइप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बट ऑन फॉर्म जैसे हमारा खेत है तो वहाँ पे कैसे कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कंटूर रिजिस अगर हिली स्लोप एरिया रहेगा तो हम छोटे छोटे से उसमें स्टेप्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का स्पीड है वो कम होता है, तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज ज़्यादा होता है, या स्मॉल पिट्स बनाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे जिसमें पानी स्टोर हो जाएगा, या रन ऑफ स्ट्रिप्स बनाएंगे जो जहाँ पे रन ऑफ हो रहा है उसको हम पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से भी जो स्पीड है वाटर की वो कम हो जाएगी। तो ये था माइक्रो लेवल पे, फिर कैचमेंट ये लार्जर लेवल पे है, वादी बेड सिस्टम जो
बड़ा एरिया है जिसमें दोनों तरफ फॉर एग्जांपल स्लोपी एरियाज है, माउंटेन्स है, तो वहाँ पे कैसे क्या कर सकते हैं? तो स्मॉल फॉर्म रिजर्वायर्स बना सकते हैं, जो जैसे हायर एलिवेशंस पे जहाँ से पानी आता है, या नीचे भी हम छोटे छोटे से रॉक डैम्स बनाते हैं। रॉक डैम्स क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आप जम्मू वगैरह जाएंगे या गुलमर्ग वगैरह जाएंगे या कोई भी हिल स्टेशन पे जाएंगे, साइड्स में, रोड के साइड में अक्सर जाली में पत्थर बांधे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। उसका बहुत सारा, मतलब उसका बहुत सारे यूजेस है, बट एक यूज ये भी है कि उसमें जो है वाटर जो है थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है, उसकी स्पीड कम होती है, तो ये भी एक सिस्टम है। वादी बेड कल्टीवेशन से डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे, उसमें क्या कल्टीवेशन सिस्टम रहेगा, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑन बेड है। फिर ऑफ वादी सिस्टम में क्या रहेगा, वाटर स्प्रेडिंग जो है, पानी को बहुत एरिया पे फैलाएंगे तो उससे भी उसकी स्पीड कम होगी। फिर बंड्स बनाएंगे, टैंक्स वगैरह बनाएंगे, जो साउदर्न इंडिया है जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, उसमें क्या है मेनली वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है इन द टैंक्स। टैंक्स या तो अंडरग्राउंड हो सकती है या ओवरहेड हो सकती है, जहाँ पे वो पानी को स्टोर करते हैं, फिर यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बेसिकली फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ये था ट्रेडिशनल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा रहेगा, फिर सिंपल जैसे हमारे घर में कैसा रहेगा, जैसे मैंने बताया यहाँ से पानी निकल के स्टोर होता है, फिर डिफरेंट पर्पस फॉर एग्जांपल इरिगेशन के लिए उसको यूज़ किया जाता है, बट एक लोकल इकोसिस्टम में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन लार्जर स्केल, तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया जो हावर अपर लोकेशंस है जहाँ से हमारा पानी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल डल लेक का कैचमेंट है, जो हमारा दाचीकाम नेशनल पार्क जो है, जबरवन जो है पहाड़ है, तो वहाँ से पानी आता है, वहाँ से ऊपर ग्लेशियर्स है, और ऊपर अगर बात हम चले जाएंगे तो वहाँ से छोटे छोटे नदी नालियों से होके पानी नीचे आता है। तो वहाँ से स्टार्ट कैसे हम कंजर्व करें, फ्रॉम द अपर कैचमेंट एरिया टू लोअर कमांड एरिया तक कितना हम उसमें इन्वेस्ट करें, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे मैंने बताया अभी रॉक डैम्स वगैरह बनाते हैं, स्मॉल पिट्स बनाते हैं, ये उनका पूरा सा एक नेटवर्क जब बनता है तो ये कम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। तो उस तरीके से मेनली अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है, ये एक इकोसिस्टम लेवल पे, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है और डिफरेंट एजेंसीज होती है, पर्टिकुलर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज ज़्यादा करता है इन हिमालयन रीजन। तो फिर बेनिफिट्स कैसे है कि हमारा जो है पानी का जो है बिल कम होगी, जो हम घर में स्टोर करेंगे पानी वगैरह उसमें, उसकी जो बिल वगैरह है कम आ जाएगी, हम अपने खेत को हम उसको इरिगेट कर सकते हैं, टॉयलेट्स वगैरह में, कार वॉशिंग में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक जॉन कैनेडी थे फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा अगर वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वाटर प्रॉब्लम इन द सेंस जो पोल्यूशन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, उसको सॉल्व करेगा, उस वो वर्दी है फॉर टू नोबल प्राइजेस, वन फॉर पीस, वन फॉर